पूजनीय संत समाज, सम्माननीय सज्जनों, श्रद्धामूर्ति भक्तिमयी माताओं बहनों तथा प्यारे बच्चों, मनुष्य के संकल्पों में इतनी बड़ी शक्ति है कि यह जो दृढ़तापूर्वक सोच लेता है, जो ठान लेता है, वह करके ही रहता है। और जब इतनी निश्चयता हो ही जाएगी तो निश्चित ही उसको सफलता भी मिलेगी। ये जो कुछ करता है उसमें उसके संकल्पों का महत्व है। इसलिए हर इंसान को जो कुछ करना हो और जिस दिशा में चलना हो, उधर उसे दृढ़ निश्चय की आवश्यकता है। कमज़ोर मन से अगर वो सोचेगा और फिर आधे अधूरे मन से काम करेगा तो सफल कैसे होगा? सफलता एक परिणाम है, लेकिन परिणाम के पीछे बहुत बड़ा हमारा कार्य होना चाहिए, और कार्य करने के लिए शौक, उत्साह, निष्ठा, लगन और उत्साह की आवश्यकता है, और ये सब के साथ धैर्य होना चाहिए। थोड़े दिन काम किए, लगन से किए, लेकिन फिर असफल हो गए, छोड़ दिए। थोड़े दिन उत्साह रहा, फिर ढीले हो गए और फिर हट गए उधर से। इससे काम नहीं बनता। कठिनाइयां सहते हुए, तकलीफें सहते हुए और कुछ असफलताएं भी सहते हुए जो निरंतर लगा रहता है, अपने मन को हर गलती से, हर भूल से, हर असफलता से कुछ नया उत्साह देता है, कुछ नई चीज़ सीखता है, वह सफल होता है। आप इन भौतिक क्षेत्र में काम करने वाले अनेक महापुरुषों को ही देख लीजिए। इंजीनियर पेरी अमेरिका के उत्तरी ध्रुव क्षेत्र पर चढ़ने के लिए कितनी असफलताओं का सामना किया और अंततः उसने अपने 90 वर्ष की आयु में वहां चढ़ करके ही दिखाया। एडिसन अल्वा बल्ब के प्रयोग में, बल्ब की खोज में न जाने कितनी असफलताएं उसने देखी, लगभग 2500 से भी अधिक, लेकिन अंततः एक दिन उसने अपने कमरे को विद्युत के प्रकाश से जगमगा दिया। इसी प्रकार अन्य अनेक क्षेत्रों में हजारों असफलताएं सहने के बाद भी जब लोग साहस नहीं छोड़ते और अपने कार्य से निराश नहीं होते, तो एक ना एक दिन वही सफलता आकर के आपके कदमों को चूमेगी। आइए ये साहस, दृढ़ता और सफलता के इस राज को समझने के लिए हम एक ऐसे शख्स की चर्चा करें जो आज इतिहास में काफ़ी चर्चित हैं। 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में एक ऐसे व्यक्ति हुए जो गांधी के और अनेक गणमान्य नेताओं के मित्र थे, जिन्हें हम घनश्यामदास बिड़ला के नाम से जानते हैं। बिड़ला जी का जीवन बहुत गरीबी से उठा। वे एक साधारण परिवार के थे और बचपना उनका बड़ी ही साधारण स्थितियों में बीता। कक्षा 5 तक वे पढ़ाई कर सके, इसके आगे पढ़ ना सके। कई भाई थे, एक कमरे के एक छोटे से मकान में वे रहते थे। वहीं उनका भोजन, वहीं स्नान, वहीं निवास हुआ करता था। कभी कभी छोटे भाई पूछते, भैया हम लोग ऐसे गरीबी में कब तक जीते रहेंगे और क्या हमारी गरीबी मिटेगी नहीं? घनश्याम जी कहते, भैया घबराओ नहीं, अपने हाथों पर विश्वास करो। ये हाथ हमारे देवता हैं, भगवान की पूजा नहीं, बल्कि अपने इन हाथों की पूजा करो और हाथों की आराधना करो और इनसे कहो कि हम जो चाहते हैं उनको देना पड़ेगा, और वो देंगे, बिल्कुल देंगे। इसलिए इन हाथों में साहस, कार्यकुशलता और नैतिकता लाओ और मन में उत्साह भरो, साहस न छोड़ो, धैर्य रखो और निश्चित ही आगे बढ़ेंगे। और वो बढ़े, उन्होंने जूट का व्यापार शुरू किया
और उस व्यापार में अनेक असफलताएं आई। अंग्रेज गवर्नमेंट ने काफ़ी उनमें दिक्कतें दिया, लेकिन वे छोड़े नहीं, आगे बढ़ते रहे। एक दिन उन अंग्रेज लोगों को भी उनका रास्ता साफ करना पड़ा। तो इस प्रकार उनका व्यापार बहुत आगे बढ़ा। उन्होंने देश में अनेक फैक्ट्रियां, कारखाने और संस्थाएं कायम किया। हजारों लोग उनके नेतृत्व में काम करने लगे और करोड़ों करोड़ों की संपत्ति उन्होंने कायम किया, कमाया, और जिसके बल पर एक बहुत बड़े व्यक्ति माने गए। घनश्याम दास जी बिड़ला का नाम आज बहुत ही आदर के साथ भारत में लिया जाता है। राजस्थान में जो पिलानी इंजीनियरिंग कॉलेज है, इन्हीं की देन है। एक छोटा सा गांव, झुंझुनू जिला शायद वो पड़ता है, और वहां पर पिलानी इंजीनियरिंग कॉलेज है। पूरे भारत से विद्यार्थी जा कर के वहाँ इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ते हैं। मुंबई में इनका एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है और जिसमें अनेक प्रकार के इलाज होते हैं। तो इस प्रकार बिड़ला जी एक बहुत ही कार्यकुशल, कर्मठ, बुद्धिमान, सदाचारी और नैतिकता से मजबूत ऐसे व्यक्तित्व थे जिनका आज बड़े आदर से चर्चा किया जाता है। सन 1934 में इन्होंने अपने बेटे बसंत जी को एक पत्र लिखा, जो पत्र दुनिया के ऐतिहासिक पत्रों में एक पत्र है और उसको बड़ा महत्व दिया जाता है और सभी नर नारियों के लिए एक बहुत बड़ी सीख उससे मिलती है। हर माता पिता को अपने बेटे को ऐसी ही शिक्षा देनी चाहिए। आइए हम उस पत्र को ज्यों का त्यों आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। बिड़ला जी लिखते हैं, चिरंजीव बसंत, यह जो लिखता हूँ इसे बड़े होकर और बूढ़े होकर भी पढ़ना। अपने अनुभव की बात कहता हूँ। संसार में मनुष्य जन्म दुर्लभ है और मनुष्य जन्म पाकर जिसने शरीर का दुरुपयोग किया वह पशु है। तुम्हारे पास धन है, तंदुरुस्ती है, अच्छे साधन हैं, उनका सेवा के लिए उपयोग किया तब तो साधन सफल है, अन्यथा वे शैतान के औजार हैं। तुम इन बातों को ध्यान में रखना। धन का मौज शौक में कभी उपयोग न करना। ऐसा नहीं कि धन सदा रहेगा ही, इसलिए जितने दिन पास में हैं उसका उपयोग सेवा में करो। अपने ऊपर कम से कम खर्च करो, बाकी जन कल्याण और दुखियों का दुख दूर करने में व्यय करो। धन शक्ति है, इस शक्ति के नशे में किसी के साथ अन्याय हो जाना संभव है। इसका ध्यान रखो कि अपने धन के उपयोग से किसी का अन्याय ना हो। अपने संतान के लिए भी यही उपदेश छोड़कर जाओ। यदि बच्चे मौज शौक ऐश आराम वाले होंगे तो पाप करेंगे और व्यापार को चौपट करेंगे। ऐसे नालायकों को धन कभी ना देना। उनके हाथ में जाए उससे पहले ही जन कल्याण के किसी काम में लगा देना या गरीबों में बांट देना। तुम उसे अपने मन के अंधेपन से संतान के मोह में स्वार्थ के लिए उपभोग नहीं कर सकते। हम भाइयों ने अपार मेहनत से व्यापार को बढ़ाया है तो यह समझकर कि वे लोग धन का सदुपयोग करेंगे। भगवान को कभी ना भूलना, वह अच्छी बुद्धि देता है। इंद्रियों पर काबू रखना वरना ये तुम्हें डुबा देंगे। नित्य नियम से व्यायाम योग करना। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपदा है। स्वास्थ्य से कार्य में कुशलता आती है, कुशलता से कार्य सिद्धि और कार्य सिद्धि से समृद्धि आती है। सुख समृद्धि के लिए स्वास्थ्य ही पहली शर्त है। भोजन को दवा समझकर खाना। स्वाद के वश होकर खाते मत रहना। जीने के लिए खाना है, न कि खाने के लिए जीना है। मैंने देखा है कि स्वास्थ्य संपदा से रहित होने पर करोड़ों अरबों के स्वामी भी कैसे दीनहीन बनकर रह जाते हैं। स्वास्थ्य के अभाव में सुख साधनों का कोई मूल्य नहीं। इस संपदा की रक्षा हर उपाय से करना। इस प्रकार बिड़ला जी का लिखा हुआ यह पत्र कितना अनमोल है। एक एक अक्षर हीरे मोती जैसे मूल्यवान हैं।
और इनको पढ़ करके बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है और आज की नई पीढ़ी के लिए कितनी बड़ी ये थाती है, कितनी बड़ी धरोहर है। ये रुपए पैसे सोने चांदी जो माता पिता अपने बच्चों को देने के लिए सोचते हैं, काश वे ऐसे विचार अपने बच्चों को देते तो आज समाज में ऐसा अपराध ना होता, ऐसे आलस और निकम्मापन ना होता और आज ऐसे लोग बिना नौकरी के जो अपने को समझते हैं कि हम निरर्थक हो गए, उनके जीवन में ऐसी बुद्धि ना आती। नौकरी से ही सबका गुजर नहीं होता है, अपने हाथों के बल पर गुजर होता है और अपनी कार्य कुशलता और अपनी कर्मठता और पुरुषार्थ के बल पर गुजर होता है। और गुजर करना ही सबसे बड़ी उपलब्धि नहीं है जीवन में? नैतिकता, सदाचार, शांति, संतोष का अनुभव करना और पूर्ण स्वतंत्रता। कौन सी स्वतंत्रता? वह स्वतंत्रता नहीं कि जो मन के उन्मादीपन में यत्र तत्र और जैसे तैसे कुछ भी हम करते रहें, कुछ भी खाएं पिएं, ऐसी स्वतंत्रता किसी काम की नहीं होती है। ये तो महापरतंत्रता का साधन है। ऐसे लोग मन से कितने विवश और लाचार होते हैं। असली स्वतंत्रता है मन की स्वतंत्रता, जो मन से प्रसन्न रहे, निरंतर आत्मसंतुष्ट रहे, इच्छाओं कामनाओं के अधीन ना हो और सदैव साधन संयम त्याग अनाशक्ति और विनम्रता से अपने जीवन को बिताता हो, वह सच्चा स्वतंत्र व्यक्ति है। और यह स्वतंत्र, इस प्रकार से स्वतंत्र व्यक्ति सदा सुखी होता है और उसके आसपास रहने वाले लोग भी एक रस शांति का अनुभव करते हैं। तो बिरला जी ने जो इस पत्र में अपने बेटे बसंत के लिए लिखा है, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। तो बिरला जी पहली बात कहते हैं कि मनुष्य जन्म दुर्लभ है। मैं अपने अनुभव की बात लिखता हूँ, उनका अनुभव क्या है? अनुभव करके वे बताते हैं कि इस मानव जीवन को पाया हमने और कैसे अभाव तथा गरीबी का जीवन था, लेकिन हमने ये अनुभव किया कि ऐसे असमर्थ जीवन को पाकर के भी आज हमने सुख समृद्धि को प्राप्त किया। तो ये मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है। तो मेरा ये अनुभव है कि इस दुर्लभ जीवन में हम दुर्लभ काम कर सकते हैं और दुर्लभ काम यही है कि सब प्रकार से नैतिकता, सदाचार, मानवीय गुण और आत्मशक्ति को अर्जित करके आत्मसंतुष्ट हो जाना और दुर्गुण, दुराचार, दुर्व्यसन और दुष्कर्मों से पूर्ण रूप से अपने जीवन से छोड़ देना, त्याग देना और नैतिकता, शांति, साधना का सहारा लेकर के आत्मबल का अनुभव करना, यही मनुष्य जीवन की पूर्ण सफलता है। दूसरी बात वे कहते हैं कि पशुता। उन्होंने कहा कि इस मनुष्य जन्म को पा करके जिसने शरीर का दुरुपयोग किया वह पशु है, निश्चित ही पशु है। क्योंकि पशु जो होते हैं वे तो सदुपयोग नहीं करते लेकिन दुरुपयोग भी नहीं करते। वे जीवन जीते हैं किसी तरह, इंद्रियों के भोगों को भोगते हैं और दौड़ धूप कर खोज खाज करके कुछ खाने पीने की सामग्री इकट्ठी कर लेते हैं और जी लेते हैं बस। लेकिन मनुष्य इतना ही नहीं, मनुष्य के पास मन है। अगर यह इसका सदुपयोग नहीं करेगा, अपने धन को, तन को, इंद्रियों को, मन को नैतिकता में, सदाचार में, सेवा में, परोपकार में नहीं लगाएगा तो फिर ये अनैतिक कार्यों में ही डूबेगा, दुराचार और दुष्कर्मों में ही डूबेगा और फिर ये दुष्कर्म दुराचार उसके जीवन को पूरी तरह से मिटा देंगे। पशुता से भी ज़्यादा उसके अंदर ऐसी हैवानियत आ जाएगी कि फिर उसका जीवन कंट का कीर्ण हो जाएगा, लोक परलोक दोनों बिगड़ जाएंगे। इसलिए हम इस बात को समझें जो वे कहना चाहते हैं कि जिसने मानव जीवन का दुरुपयोग किया वह पशु है, निश्चित ही पशु है। इसलिए हम जीवन का सदुपयोग करें। शैतान के औजार क्यों उन्होंने कहा? धन रुपए पैसे को उन्होंने शैतान का औजार कहा। ये शैतान के औजार क्यों हैं? औजार हैं ये सुख समृद्धि के भी साधन हैं, सेवा भी इससे किया जा सकता है, धन से हम परोपकार भी कर सकते हैं,
धन से दूसरों के दुखों को भी मिटा सकते हैं, लेकिन अगर धन के साथ हमने इसका दुरुपयोग किया, दुर्बुद्धि हमारे जीवन में आई और हमारा जीवन दोष दुर्गुणों में डूबा, तो यही धन हमें बर्बाद करेगा। फिर शराब पीने की आदत, जुआ खेलने की आदत, हिंसा हत्या की आदत और अहंकार और नाना प्रकार के अवगुण आ घेरेंगे हमें, और जीवन में केवल कांटे कांटे चारों तरफ बिछे मिलेंगे। इसलिए ये शैतान के औजार हैं। धन का सदुपयोग कैसे किया जाए? धन का सदुपयोग है, तीन प्रकार से सदुपयोग होता है। एक दया भाव से, दूसरा समाज सेवा के भाव से, और तीसरा है श्रद्धा भाव से। दया भाव से सेवा करना है, सदुपयोग धन का है कि हम दीन दुखियों, गरीबों, अनाथों, लाचारों और अभावग्रस्त लोगों में अपने धन को कुछ खर्च करें, ये दया भाव से है। ऐसे लोगों को ज़रूरत है। दुनिया में आज भी ऐसे बहुत लोग हैं जिनके पास जीवन गुजर के साधनों का अभाव है, तो हमारे पास है तो उनको कुछ दें। ऐसे ही ना दे दें, किसी तरीके से दें। हम कुछ ऐसे कार्य चला दें जिसमें बहुत लोगों की सेवा हो और थोड़ा सा लाभ ले करके उनको खूब अधिक से अधिक धन दिया जाए, और काम भी होगा इससे, बहुत बड़े समाज की सेवा भी होगी और बहुत लोगों को जीविका के साधन भी मिलेंगे। और दूसरी चीज है कि कर्तव्य दृष्टि से समाज की सेवा करें। कहीं सड़क बन रही है, कहीं नल लगाया जा रहा है, कहीं ट्यूबवेल बन रहे हैं, कहीं औषधालय खुल रहा है, कहीं स्कूल खुल रहे हैं, कहीं आश्रम बन रहे हैं, कहीं और कुछ संस्थाएं काम कर रही हैं, तो वहाँ भी कुछ दें। ये कर्तव्य दृष्टि से समाज की सेवा है, और ऐसे जगहों से बहुत लोगों का जीवन निर्वाह होगा, सुख सुविधाएँ मिलेंगी, जीवन गुजर में आराम मिलेगा। तो इस तरीके से भी हम धन का सदुपयोग करें। और तीसरा है श्रद्धा भाव से, जहाँ पर मन इंद्रियों के संयमी साधक, आत्मजयी, साधनानिष्ठ संत गुरुजन रहते हैं, और जो साधन भजन में लगे हुए हैं, जिन्होंने अपने जीवन को सब प्रकार से लोक मंगल के कार्यों में ही समर्पित कर दिया है, जिन्होंने अपना घर धन परिवार सब कुछ छोड़ करके आत्मकल्याण और समाज कल्याण के लिए ही अपने जीवन को समर्पित कर दिया है, ऐसे साधनानिष्ठ ज्ञान बोध संपन्न साधकों की सेवा करना और उनकी सेवा में अपने धन को कुछ लगा देना एक बहुत बड़ी उदारता है, बहुत बड़े सेवा का फल है। और इस प्रकार से भी हमें अपने धन का सदुपयोग करना चाहिए। अगली बात बिरला जी लिखते हैं कि संतान के लिए मुख्य उपदेश जो बताते हैं वो क्या है, बेटों के लिए, बच्चों के लिए और अपने परिवार वालों के लिए वे क्या उपदेश देना चाहते हैं, और हमको उनसे क्या शिक्षा मिलती है। हमको उनसे बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है। वे शिक्षा पहली बात यह देते हैं कि मनुष्य शरीर का सदुपयोग करो, धन को किसी तरह से अपव्यय मत करो, मेहनत करके कमाओ और शरीर को स्वस्थ रखो और भगवान की याद करो। किसी ढंग से कहीं भी आप साधन भजन में, भक्ति उपासना में भी लगो। दीन दुखियों को सताओ मत, मौज शौक तथा विलासिता में डूबो मत, जीवन निर्वाह करो। ये जीवन हमें जो मिला हुआ है आत्मकल्याण और पर सेवा के लिए है, और यह ना करके जो कुछ तुम्हारे पास है इसको भोगों में, मौज शौक में, विलासिता में लगाओगे तो विनाश के दिन आने में देर नहीं लगेगी। इस प्रकार से वे शिक्षा देते हैं बच्चों को और समाज को कि ऐसे हमें जीवन जीना चाहिए। बच्चों का नालायक क्यों कहा गया है? उन्होंने कहा कि ऐसे नालायकों को धन देने से पहले ही तुम इस धन को समाज की सेवा में लगा देना, क्योंकि अगर वे स्वार्थी हैं, भोगी हैं, लंपट हैं, लोभी हैं,
और उद्दंड होकर के शराब कबाब में, दोष दुर्गुणों में, चोरी हिंसा व्यभिचार में फंस रहे हैं, हिंसा हत्या कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को धन देना बेकार है। चाहे वो अपने बेटे हों, अपने बाल बच्चे ही क्यों ना हों, वे धन को पाकर के धन से अपना ही विनाश करेंगे। एक जब समझदार व्यक्ति, एक डॉक्टर जब चाकू पाता है तो उस चाकू से वे किसी की जान की रक्षा करता है, लेकिन एक मूर्ख व्यक्ति या हिंसक हत्यारा व्यक्ति जब चाकू पाता है तो उसी चाकू से किसी की जान को ले लेता है। तो चीज़ें अच्छी या बुरी नहीं होती हैं, किंतु उसका सदुपयोग और दुरुपयोग अच्छा बुरा होता है। तो धन अपने आप में एक शक्ति है, तो उसका सदुपयोग किया जाए तो बहुत बड़ा काम करती है। एक साधक को, संत को, सज्जन को भी धन की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन उसी धन को अगर दुष्ट पा जाए, हिंसक हत्यारे पा जाए, चोर शराबी और दुर्गुणी दुर्व्यसनी पा जाए, तो उसी धन से वे अपना और दूसरों का विनाश करते हैं। इसलिए ऐसे नालायकों को धन देना बेकार है। उनको गरीब और दरिद्र रहना ही अच्छा है कि वे जिस किसी तरह से कम आपराधिक क्षेत्रों में तो आगे ना बढ़ें। लेकिन यहाँ पर यह बात नहीं सोचना चाहिए कि जो किसी ढंग से गरीब हैं, धन के अभाव में जी रहे हैं, तो वे नालायक हैं या वे दुष्कर्म करने वाले हैं। नहीं, कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि सज्जनों के पास भी धन का अभाव होता है और दुष्टों के पास भी, हिंसक हत्यारों के पास भी धन बहुत हो जाता है। तो इन चीज़ों को बिना उसकी गहराई में गए हम यहाँ पर समीक्षा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ वर्तमान के कर्मों के आधार पर ही कोई धनी या गरीब नहीं होता है, क्योंकि ये कर्मों का रहस्य है, ये अलग ही चिंतन का विषय है, इस बात को हम आगे नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन यह तो साफ है कि वर्तमान में जो दोष दुर्गुणों में डूबा हुआ है, उसको अगर धन अधिक मिल जाएगा तो धन का दुरुपयोग करेगा और जीवन को बर्बाद करेगा, दूसरों को भी दुख देगा। तो मन का अंधापन क्या है? मन का अंधापन है इंद्रियों का असंयम। आँख, नाक, कान, जीभ, चाम, हमारे पास ये पांच ज्ञान इंद्रियां हैं, और इन इंद्रियों से अगर हम गलत देखते, सुनते, खाते, छूते और करते हैं, तो फिर ये हमारे मन में ऐसे कुसंस्कार पैदा करेंगे और ऐसी सोच इससे उत्पन्न होंगे कि हमारे जीवन में घोर विकृति आ जाएगी और फिर हम इंसानियत से दूर कहीं जा कर के जो हैवानियत के गड्ढे में गिरेंगे कि इसकी कल्पना नहीं किया जा सकता। इसलिए मन के इन अंधेपन में नहीं पड़ना है, बल्कि सदाचार, नैतिकता और कार्यकुशलता, समाज सेवा और बड़े बूढ़ों का आदर, गुरुजनों की भक्ति भाव में जब हमारा मन लगेगा, तब जीवन एक निश्चित दिशा में काम करेगा और मन हमारा संयत होकर के शांति संतोष को प्राप्त करेगा और जीवन फिर आनंदमय होगा। साधनों की सफलता कैसे हो? साधन, कोई भी साधन, घर, गाड़ी, पैसे या और भी जीवन निर्वाह की चीज़ें, ये सब साधन हैं। तो इन साधनों की सफलता है इनका सदुपयोग, आत्मकल्याण और जन कल्याण में खर्च करना, दीन दुखियों की सेवा करना और व्यर्थ किसी ढंग से अपव्यय ना करना, यही इनकी सफलता है। और फिर इससे भी अधिक हमारे पास है तो फिर परमार्थ में, जो जल बाढ़ है नाव में, घर में बाढ़ है दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सयानो काम। सद्गुरु कबीर का जो वचन है, चारों तरफ काम करता है। वे कहते हैं अगर नाव में पानी बढ़ रहा है और घर में पैसा बढ़ रहा है तो दोनों हाथ से उलीचो, इसी में तुम्हारी भलाई है। धन ज़्यादा है तो उसको सेवा में लगाओ, बहुत बटोर करके रखने की आदत छोड़ो, नहीं तो तुम्हारा विनाश करेंगे। इसी प्रकार नाव में पानी बढ़ रहा है तो उसको भी खर्च करो, हटाओ, उलीचो, नहीं तो डूब जाएगी नाव। तो इस प्रकार से धन का सदुपयोग करें। साधनों की सफलता कैसे हो?
धन धन बढ़ रहा है तो उसको हम सेवा में लगावें, कहीं व्यर्थ खर्च ना करें। स्वस्थ स्वास्थ्य सुख समृद्धि का साधन क्यों? भोजन को औसत समझ करके खाना। भोजन मिल गया है तो उसका दुरुपयोग मत करना। अगर वो मिल गया है हमें धन रुपए पैसे संपत्ति तो उसको हम सेवा में लगावें। भोजन को औसत समझ करके खाना। भोजन एक औषधि है और उसको हम संभाल करके जीवन निर्वाह के लिए खाएं। हमें जीने के लिए खाना है, न कि खाने के लिए जीना है। बस जितना ज़रूरत है हम उतना ही चीज़ों का उपयोग करें। बहुत बटोर करके संचय की वृत्ति नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर बिरला जी कहते हैं कि ये मानव जीवन जो मिला हुआ है बड़े ही सौभाग्य से मिला है, इस शरीर का हम सदुपयोग करें। जो धन है हमारे पास इसका हम सही ढंग से खर्च करें और जन कल्याण में, परिवार की सेवा में और समाज की सेवा में हम जब उसको लगाएंगे तो सब प्रकार से सबके लिए उपयोगी होगा, जनहितकारी होगा। तो हम सब बिरला जी के इस पत्र से शिक्षा लें कि हमें अपने जीवन को कैसे जीना चाहिए। नाना प्रकार की संस्थाएं हैं, नाना प्रकार के लोग हैं, जीवन जीने के अनेक तरीके हैं, लेकिन जिसने अपने जीवन को सन्मार्ग में लगाया, दीन दुखियों की सेवा में लगाया, सत्कर्तव्य में लगाया, मन इंद्रियों के संयम में लगाया और सब प्रकार से साधन भजन और जितेंद्रियता को अपना करके आत्मकल्याण का काम किया, उसी का जीवन सफल है। तो आज का जो विषय था बिरला जी के पत्र के आधार पर, उस पर हमने कुछ चर्चा किया, उसका ज्यों का त्यों आप लोगों के सामने रखा गया कि जो पत्र है हम सबके लिए एक थाती के समान है, एक बहुत बड़ी धरोहर है हमारे देश के लिए और हर माता पिता के लिए, हर बाल बच्चों के लिए, कि माता पिता अपने बच्चों को क्या सिखावें और बच्चे अपने माता पिता से क्या सीखें। इतने बड़े धनवान होकर के भी वे चीज़ों के लिए लोभी नहीं हुए, वे चीज़ों को बटोर बटोर करके केवल इनको अपने जीवन में खर्च करना नहीं बल्कि समाज की सेवा में लगाते थे और जीवन स्वयं जीवन का निर्वाह करते थे। हम सब लोग इन बातों से सीखें और जीवन में भक्ति ज्ञान संयम सदाचार का काम करें और जिससे मन की शांति मिले और सबकी सेवा हो, आत्मकल्याण भी हो और इस प्रकार अपने जीवन को हम सन्मार्ग में लगा करके सब प्रकार से सदाचारी बन करके शांति के हकदार बने। बस अपनी बातें यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय।